दोस्तों टिकटॉक बेहयाई फैलाने वाला मकबूल तरीन एप्लीकेशन है जो दुनिया के 150 ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है। इस एप्लीकेशन को बनाने में यहूदियों ने काफी वक्त लगाया। चाइना ने इसको 2016 के सितंबर के महीने में लॉन्च किया और 2 साल में टिकटॉक को इतनी शोहरत हासिल हुई जितनी गुज़श्ता सालों में फेसबुक और यूट्यूब को भी शोहरत हासिल नहीं हुई। 2 साल में 500+ मिलियन इसके यूजर्स हैं और दुनिया के 150 ममालिक के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वातीनों हज़रात, इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को निशाना बनाना था। आप इस ऐप पर देखेंगे कि यहूदी मजहब के अलावा सारे मजाहिब का मजाक बना हुआ है। आपको यहूदी मजहब के खिलाफ इस ऐप पर एक वीडियो भी नहीं मिलेगी, मगर फिर भी लोग इस बेहयाई के समंदर में गर्क होते जा रहे हैं और अपने ही हाथों अपने मजहब का मजाक बना रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक इस ऐप को ज्यादातर मुस्लिम कौम इस्तेमाल कर रही है और इनमें सबसे ज्यादा तादाद हमारी खवातीन की है। दोस्तों, मुस्लिम खवातीन मेकअप लगाकर ऐसे ऐसे बरहना कपड़े पहनकर सामने आती हैं कि अल्लाह की पनाह। यहूदी चाहते ही यही है कि कौम मुस्लिम को नंगा और बरहना किया जाए और तालीम से हटाकर इन्हें गेम्स, 3 पत्ती, लूडो, फेसबुक, व्हाट्सएप और बेहयाई वाले टिकटॉक पर लगा दिया जाए ताकि वो अपना कीमती वक्त इनमें बर्बाद करें। और उनका मंसूबा है कि जब कौम मुस्लिम तालीम के मैदान में खाली नजर आएंगे तो हुकूमत हमारी रहेगी, गुलाम हमारे रहेंगे। खवातीनों हजरात, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे घरों में फितनों की जगह इस तरह देखता हूँ जैसे बारिश गिरने की जगहों को। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, अमाले साला में जल्दी करो कबल इसके कि वो फितने जाहिर हो जाएं जो तारीक रात के टुकड़ों की मानद होंगे। और इन फितनों का असर होगा कि आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को काफिर बन जाएगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को कुफर की हालत में उठेगा। नीज अपने दीनों मजहब को दुनिया की थोड़ी सी मता के एवज बेच डालेगा। सही मुस्लिम। नाज़रीने गिरामी, आज हमारा बच्चा बच्चा नेट के इस्तेमाल को जानता है। नेट के इस्तेमाल से जितना फायदा उठाना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज हमारी मुस्लिम खवातीन घर में रहकर वो काम करती हैं जो तवायफ औरतें बाजार में भी नहीं करती। जब वो लाइव आकर अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं तो उन्हें देखकर नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ जाती है कि 2 गरोह ऐसे हैं जो अहले जहन्नुम में से हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा। एक तो वो लोग होंगे जिनके पास गाय की दुमों जैसे कोड़े होंगे जिनके साथ ये लोगों को मारेंगे, और दूसरी वो औरतें होंगी जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी या तो बारीक लिबास होगा जिसकी वजह से जिस्म नजर आ रहा होगा, या फिर ऐसा लिबास पहना होगा जिससे उनके जिस्म का कुछ हिस्सा ढांपा हुआ होगा और कुछ नंगा होगा। मर्दों को अपनी तरफ मायल करने वाली और खुद मर्दों की तरफ मायल होने वाली होंगी। उनके सर ऐसे होंगे जैसे कि खिरासानी नस्ल के ऊंट के कोहान होंगे। दोस्तों, मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ सर के बालों के नित नए फैशन और स्टाइल की तरफ इशारा है। इसके अलावा हदीस के अल्फाज हैं, ये औरतें ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही इसकी खुशबू पा सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू इतने इतने फासले से महसूस होगी। ख्वातीनों हजरात, आज बिनते हवा नंगा नाच रही है। इब्ने आदम अपनी हवस बुझाने के लिए चिस्कियां ले लेकर देख रहा है। इस्लाम ने औरत को एक पाकीजा निजाम दिया है जिसमें इसकी भलाइयां छुपी हुई हैं। इस्लाम ने औरत की हिफाजत की खातिर उसे मस्जिद में जाने से रोक दिया, अजानो अकामत से रोक दिया, हज के दौरान ऊंची आवाज में तलबिया कहने से रोक दिया, ऊंची आवाज में कुरान पढ़ने से रोक दिया, ऊंची आवाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने से रोक दिया ताकि इनकी आवाज गैर महरमों से महफूज रहे और दिलों में मलाल पैदा ना हो। लेकिन जब इसी मजहब की नौजवान लड़कियां टिकटॉक पर नाच रही हों तो उम्मत मुस्लिमा के लिए तकलीफ का बायस है। और टिकटॉक की बीमारी में सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि इसके बच्चे बच्चे दीवाने हैं और लड़कियों के साथ साथ अपना वीडियो बनाकर लोगों में शेयर करते हैं और इस गुनाह के काम में लज्जत महसूस करते हैं, बल्कि उन लोगों के भी चेहरे सामने आते हैं जो वालदैन हैं, बड़े हैं और दीन के जानने वाले हैं। दोस्तों, जब हमारे रहनुमा ही ऐसे कामों में लग जाए तो समझ लेना कि कौम तनजुली का शिकार हो चुकी है। रहनुमाओं को तो चाहिए कि इस बेहयाई वाले एप्लीकेशन के खिलाफ लोगों की हिदायत फरमाए, मगर अब तो डॉक्टर ही बीमार होने लगे हैं तो कौम मुस्लिम का इलाज कैसे हो। नाज़रीन, आज हमारी कौम को हमारे नबी की सीरत पसंद नहीं, हमारी कौम की बच्चियों को पर्दा पसंद नहीं, हमारे मुस्लिम लड़कों को चेहरे पर दाढ़ी रखना पसंद नहीं। हाँ, अगर पसंद है तो यहूदी स्टाइल में रखे जाने वाले बाल पसंद है।
यहूदी लोग अगर अपने चेहरे पर दाढ़ी को फैशन बनाकर रखते हैं तो हमारा जवान इसी की तरह अपने चेहरे पर दाढ़ी रखता है। जैसे वो कपड़े पहनता है, हमारा जवान उनकी स्टाइल वाला लिबास पहनता है। हमारी बच्चियों को नकाब पसंद नहीं, वो नकाबों पर्दे को दकियानूसी ख्याल करते हैं। अगर कोई यहूदी लड़की तंगोचुस्त लिबास पहनती है तो हमारी बच्चियां इसी तरह का लिबास खरीद कर पहनती हैं, मर्दों की तरह बाल कटवाती हैं। ये सब क़यामत की निशानियां हैं जो वजूद में आ रही हैं। जो बच गया वो अमन पा गया। अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए और सीरत मुस्तफा पर चलने का आदि बना दीजिए, इंशाल्लाह वो कभी नहीं भटकेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।